क्रिसमस की चीयर है चारों ओर, लेकिन मेरे शो भाग्य लक्ष्मी में तो हो गया है माहौल थोड़ा सैड। ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ तो ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए हैं। देखा है आपने कैसी गलतफहमियाँ आ जाती हैं ना, तो प्यार करने वालों के बीच। मुझे तो उम्मीद है हो ही जाएगा कहानी में सब कुछ ठीक। आइए दिखाते हैं आपको भाग्य लक्ष्मी का ये अपडेट। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी का तलाक हो चुका है और लक्ष्मी घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन ऋषि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अब लक्ष्मी उसकी जिंदगी में नहीं है और हर तरफ उसे अपनी लक्ष्मी ही दिखाई दे रही है। इसीलिए देखिए कैसे वो अपनी लक्ष्मी को देखकर हो रहा है इमोशनल। जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये उसका ख्वाब है, उसका दिल टूट जाता है। वही करिश्मा और मनीषा भी ऋषि का ब्रेन वॉश करने में लगी हुई हैं और उसे समझा रही हैं कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। सच ये हुआ कि मैं उसके लायक हूँ, मैं लक्ष्मी के लायक हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? Are you out of your mind? वो lower class नवाज बच्चन, उसकी औकात क्या है तुम्हारे सामने? तुम्हारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, और तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लायक नहीं हो। No, never, never, ever, समझे? देखिए यहाँ तो finally ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स हो गया है, तो ऑब्वियसली हम इस बात से खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, और ऑब्वियसली ऋषि अपसेट है क्योंकि लक्ष्मी एकदम से घर छोड़कर चली गई है। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ है ये तो हम नहीं जानते, बट फिर भी क्योंकि वो दुखी है इसलिए हम तो पूरा उसको ब्रेन वॉश करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह अब तो वो लक्ष्मी के चंगुल से निकल जाए, अब तो वो लक्ष्मी को भूल जाए। और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि ऋषि को किसी तरह ब्रेन वॉश करें। उसका फेवरेट खाना बन रहा है घर में, जो भी कोशिश हो सकती है हम उसको बता रहे हैं कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। हम तो इसलिए अपसेट थे उससे क्योंकि उसकी लक्ष्मी से शादी हो गई थी, और मैंने तो उसको बहुत समझाया कि लक्ष्मी उसके लायक नहीं है, लक्ष्मी उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। तो यही सब चल रहा है। अब देखिए हमारी बातों का असर होता भी है ऋषि पर या नहीं होता। देखिए मुझे तो शुरुआत से ही ऐसा लगता है कि हम ओबेरॉयज हैं और लक्ष्मी एक बहुत ही छोटे ख़ानदान से आती है, तो मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि कोई मैच नहीं है हमारे ख़ानदान का। और क्योंकि मलिष्का मेरी रिलेटिव है और मलिष्का और ऋषि को मैंने हमेशा से एक दूसरे के साथ देखा है, एक दूसरे के वो तो एक दूसरे से शादी करने वाले थे, पर क्योंकि कुंडली का चक्कर था इसलिए ऋषि को लक्ष्मी से शादी करनी पड़ी। तो मैं तो कभी लक्ष्मी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगी, और आई डोंट थिंक सो मैं उसको कभी भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तो मतलब मेरी तो शुरुआत से ही ये प्रॉब्लम रही है। मैंने तो हर किसी को बोला है कि वो हमारे खानदान के लायक नहीं है, वो ऋषि के लायक नहीं है, वो हमारे साथ खड़े होने लायक नहीं है। तो मेरा तो आई थिंक डे वन से यही स्टैंड रहा है। हाँ हाँ, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ऋषि कह रहा है कि उसने लक्ष्मी को धोखा दिया है। अब इस बारे में मुझे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा क्या धोखा दिया है, और मैं ऋषि को वही समझा रही हूँ कि ऋषि किसी को कैसे धोखा दे सकता है, क्योंकि ऋषि तो इतना अच्छा लड़का है, वो किसी को धोखा कैसे दे सकता है। बट मलिष्का को इस बारे में पता है कि ऋषि ने लक्ष्मी को धोखा दिया है, और यहाँ पर वो कुछ कहने भी जा रही है, पर कोई आ जाता है रूम में और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, तो हमारी आगे बातचीत नहीं हो पाती। तो ये तो एक मिस्ट्री ज़रूर है कि ऋषि ने लक्ष्मी को क्या धोखा दिया है। देखिए फिलहाल यहाँ तो मुझे तो लग रहा है हम फटाफट ऋषि और मलिष्का की शादी की तैयारियाँ शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तो हम चाहते हैं, क्योंकि डिवोर्स हो गया है तो अब फटाफट हम टाइम वेस्ट ना करें इससे पहले फिर से ऋषि लक्ष्मी कुछ करे, फिर से ऋषि पिघल जाए, फिर से वही हो जो हमेशा होता है। हम चाहते हैं इस बार किसी को कुछ सोचने का मौका नहीं मिले और फटाफट ऋषि और मलिष्का की शादी हो जाए। मुझे नहीं पता प्यार करते हैं या हेट करते हैं। मुझे तो खाली हेट मैसेजेस ही आते हैं, बट थैंक यू सो मच। आई थिंक मुझे यही लगता है कि शायद मैं अपना किरदार अच्छी तरह निभा रही हूँ, तभी आप मुझे इतना हेट करते हैं।
यू एक्चुअली लव टू हेट मी बट थैंक यू सो मच. और बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे शो में आगे और बहुत मज़ेदार होने वाला है भाग्य लक्ष्मी. तो आप ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार बनाए रखें. वैसे बहुत जल्द मलिष्का और ऋषि की शादी होने वाली है क्योंकि मलिष्का की मम्मी मलिष्का का रिश्ता लेकर आ गई है ऋषि की मम्मी के पास.